तो ना यार ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको दिख ही रहा होगा, लाइक्रा फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओवरऑल लुक जो है बहुत अमेजिंग है और मैंने साइज़ एम वेयर किया हुआ है, मतलब कि नॉर्मली स्मॉल भी मुझे आ जाता है बट इसका एम फिट आया, दैट मीन्स कि वन साइज़ प्लस अगर आप ऑर्डर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कलर सिंगल है और इस तरह से देखो ना, आप शॉपिंग भी जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कहीं पे भी पहन सकते हो यार, ये हर सेंस में प्यारा लग रहा है। और सामने वाले को बेवकूफ बना रहे हैं कि हमने डेनिम पहना, बट एक्चुअली डेनिम है नहीं और उससे भी ज्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक है, मतलब मस्त है। तो ना आप देख सकते हो यार, ये ना पीस ना बहुत ही ज्यादा ना मैजिकल पीस है, आपको बेवकूफ बना रहे सामने वाले को, देखो ऐसे लग रहा है आपने, आपको लग ही रहा होगा कि मैंने डेनिम पहना हुआ है बट एक्चुअली ये डेनिम नहीं है। हाँ, ये लाइक्रा टाइप का फैब्रिक है, बिलीव मी इतना ज्यादा कंफर्टेबल है, स्टाइलिश भी है, काइंड ऑफ स्टेटमेंट पीस। देखो आप यहाँ पे जो इन्होंने वेस्ट पे जो दिया हुआ था ना वेलक्रोन के साथ, वो इतने अच्छे से परफेक्टली फिट आया हुआ है। मैंने साइज एम वेयर किया हुआ है क्योंकि इसका जो साइज सेट है वो स्टैंडर्ड से थोड़ा सा छोटा है और ये मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और ये मुझे टॉक अबाउट बॉटम, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा नीचे से ना वाइड लेग हो जा रहा है, ऊपर से नहीं है, नीचे से थोड़ा सा वाइड लेग हो जा रहा है, बट वो स्मार्ट लग रहा है, मतलब ओवरऑल लुक इज जस्ट अमेजिंग। पॉकेट भी है, स्लीव्स भी देखो आप यहाँ पे फिनिश हो रही है, इट्स अ काइंड ऑफ 3/4 स्लीव्स और स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप ऑफिस पहन सकते हैं, आप कॉलेज पहन सकते हैं, बट यूनिक सा है। ओ पास है ये ड्रेस, पास है, आप ले लें इसे अभी के अभी ले लें, इससे पहले कि स्टॉक खत्म हो जाए। वी हैव टिल डबल एक्सल साइजेस, यस, सो यस आई लाइक इट। जाए नेक्स्ट वाले पीस की तरफ, क्योंकि जब एक पीस आपका पास हो जाता है ना, बहुत अच्छा सा लगने लग जाता है ना, एक मोटिवेशन आ जाता है कि चलो 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 नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। तो यस, ये वाला पीस हमारा ऑलरेडी पास है, इसमें मैं आपको बता दूं इसमें कलर हमारे पास सिंगल है, एक ही शेड है, तो कलर के लिए इंक्वायरी प्लीज ना डालें। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ना अगेन कॉर्ड सेट है और बॉडीकॉन काइंड ऑफ टू पीस सेट है, टॉप है और इस तरह से नीचे ना बॉडीकॉन स्कर्ट है, ये लाइक्रा है अगेन, ट्राई करते हैं। यार भाई साहब, इसका लुक देख रहे हो आप, इसका कितना ही प्यारा लुक आ रहा है। और ना स्ट्रेचेबल बॉडीकॉन ड्रेस होती है ना, तो आपको वैसे भी कंफर्टेबल फील हो रहा होता है, ऐसे लग नहीं रहा होता आपने बॉडीकॉन पहना हुआ है, अनकंफर्टेबल आप फील नहीं कर रहे हो, तो बहुत बहुत प्यारा है। इसको पहन के ना इतना अच्छा वाला फील आ रहा है कि मुझे कोई लेके चले जहाँ पे बहुत सारा डांस वांस करके मस्ती करके घूम फिर के आ जाए। वैसे भी रेडी होने के बाद मुझे लगता है कि चलो चलो सबको दिखाएं। आप देख सकते हैं कि ये
वाला जो हमारा सेकंड आउटफिट है वो भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि ये बॉडीकॉन स्कर्ट मतलब कि पेंसिल स्कर्ट वाला लुक दिया हुआ है और स्ट्रेचेबल है, लाइक रहा है, जो स्ट्रेचेबल है, कंफर्टेबल इनफ है, और वो लाइक रहा ना समहाउ कॉटन लाइक रहा टाइप का था, ब्रांड में कॉटन था, और ये ना पॉली सिल्क मतलब थोड़ा सा सैटिन लाइक रहा है वैसा वाला शाइन है इसका। और ये ओवरसाइज वाले स्टाइल में क्रॉप टॉप दिया हुआ है और फुल स्लीव्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। स्कर्ट भी बॉडीकॉन है बट इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। इसको भी आप कॉलेजेस में पहन सकते हैं, आप ऑफिस में पहन सकते हैं, बहुत अच्छा सा लग रहा है। तो कॉम्बिनेशन और कलर्स बहुत सारे हैं, यू कैन पिंग अस, विल शेयर ऑल द अवेलेबल प्रिंट्स और साइजेस भी इसमें अवेलेबल है। आई थिंक इसमें शायद हमारे पास प्लस साइज भी है, आई हैव टू चेक अगेन, बट यस दिस इज जस्ट अमेजिंग वन, तो यू कैन गो फॉर। और हमारा सेकंड पीस भी हिट हो गया, मतलब पास है यार, ये वाला पीस भी पास है, आज का दिन अच्छा जाने वाला है, मतलब हमारे आगे आने वाले सारे आउटफिट भी आते हैं कि ऐसे ही पास होने वाले। सो इस आउटफिट की ना सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये बॉडीकॉन है, ऑल्दो यू कैन ईट इनफ, पता है मतलब ना स्ट्रेचेबल है, तो आप बहुत अच्छे से खावा सकते हैं, वो कोई पंगा वंगा नहीं है। अदरवाइज ना बॉडीकॉन ड्रेस जब हम पहनते हैं हमको लगता है कि ओह गॉड आज कम खाना पड़ेगा, और टॉप तो ओवर साइज है ही, मतलब कि कोई। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आउटफिट, अगेन वी हैव क्वाड सेट, और आजकल तो सबसे अच्छी चीज है कि हर चीज के साथ ना बेल्ट्स है, मतलब अदर एक्सेसरीज भी ये लोग दे देते ना, तो हमें उसको भी ढूंढने में अपना दिमाग नहीं लगाना होता, तो उसके साथ ये बेल्ट है, यस इसको भी हम साइड करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे का आउटफिट है क्या क्या। यस तो हमारे पास ना ये हॉट पैंट है यार, मतलब क्वाड सेट ना इतना कूल सा स्टाइल है, ये इस तरह से हॉट पैंट है, आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, थोड़ा सा सनलाइट, थोड़ा सा अभी दिखा, यस दिस इज द शेड, यू नो। और जो शर्ट है वो इस तरह से जॉर्जेट का शर्ट है, बहुत ही प्यारा है, उसमें देखो इस तरह से फ्रिल भी दिया हुआ है, और कॉलर में इस तरह से आप देख रहे हो, ये इस तरह से हैंडवर्क से ना हैंडवर्क किया हुआ है, स्टोन वगैरह लगे हुए हैं, सेम विद द स्लीव्स। ये भी ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, आई डोंट नो, हो सकता है पहनने के बाद अच्छा लगे, क्योंकि इस तरह से उनको चमक चमक ऐसी वाली बिल्कुल नहीं अच्छी, क्योंकि ये अपने आप में फिनिश पीस था, बट स्टिल अभी हम इसके लिए कोई भी जजमेंट नहीं करेंगे, हम इसको ट्राई करेंगे, देन विल सी कि कैसा लगता है। एंड क्योंकि ये पहला हॉट पैंट को ऑड सेट आया, तो यस ये बहुत अच्छा है। मैं बता दूं आपको ना, इसका जो पैंट है, एक तो ये स्ट्रेचेबल लाइक रहा है, बहुत ही सॉफ्ट लाइक रहा है, इसको पहन के बड़ा मजा आ गया, बट इसमें मेरे साथ ही प्रॉब्लम, मुझे एक्सचेंज कराना पड़ेगा, पैंट इतना ज्यादा लूज था कि इसकी बेल्ट और इसमें इतने सारे सली फटे हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने मुझे गलत साइज भेजा है, क्योंकि ना इसमें साइज भी नहीं मेंशन है, आई डोंट नो दिस पीस इज थ्रिफ्टेड पीस और व्हाट, आई हैव टू चेक, अगर इसमें साइज छोटा होगा तो ही मैं ले पाऊंगी, अदरवाइज यहाँ से पूरा का पूरा लुक जा रहा है। बट शर्ट भी जॉर्जेट है, जो कि अच्छा वाला जॉर्जेट का यू नो है, जॉर्जेट थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहेगा, आपकी चॉइस है, आप चाहे तो अंदर इनर वेयर कर सकते हैं, बट वो ऐसे भी और नहीं लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, आप ब्रालेट के साथ भी वेयर कर सकते हैं। और ये जो मैं कह रही थी ना, जो थोड़ा सा वियर्ड है, बट वो पहनने पे उतना पता नहीं पड़ा, क्योंकि इसका खुद का लुक इतना प्यारा है कि ये छुप जा रहा है, अदरवाइज ये मुझे कम पसंद आया, बट ठीक है चला लूंगी मैं गाँव, बस मेरा साइज मिल जाए, मुझे वो अच्छा लग रहा है, मतलब यार इसको मतलब आप कहीं भी जा सकते हो। यस हमारे जो थर्ड पीस है ये भी पास है, यस इसके ये बटन्स हैं यहाँ पे, यार ये ना ये लगाना मुझे नहीं आता, मुझे इसके लिए हेल्पर चाहिए होते हैं, हमेशा हमेशा ऐसे वाले बटन्स लगाना, ओह माय गॉड इट्स अ बिग डील, मुझे कोई चाहिए होता है जो ये बंद कर दे, घुसता ही नहीं है, तो मेरे से ये लग गया है फाइनली ये। तो ये ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छा है, इसमें पॉकेट नहीं है, पॉकेट यहाँ है फ्रंट वाला, आप ऐसे वाले स्टाइल नहीं मार सकते, बट ठीक है यार मुझे ये फिर भी अच्छा लग रहा है, कलर तो देख रहा ऐसा लग रहा है आसमानी बन गए, तो बहुत ही प्यारा है। अच्छे वाले कपड़े पहनने के बाद ना मुझे इमीडिएट ऐसा लगता है कि कोई ऐसी जगह जाए जहाँ पे खूब सारा डांस वांस हो जाए, मस्ती वस्ती हो जाए, डांस तो सबसे पहले मेरे माइंड में आता है यार, मजा ही आ जाता है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, व्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारे और आउटफिट है, अभी तो हमने तीन ट्राई किए हैं, दिस इज द फोर्थ वन, ये अगेन क्वाड सेट और ये ब्लेजर सेट है। मैं आपको बता दूं कि कहां जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि ब्लेजर सेट्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये इस तरह से ना बॉटल ग्रीन कलर में बॉटम है और ये साथ में हमारा ब्लेजर है, ये तो ये टू पीस सेट है, इसके साथ इनर आपने अपनी चॉइस से सेट कर लेना है, वो आप कर ही सकते हो, तो इतना तो हम दिमाग लगा ही लेंगे। यस तो ये इस तरह से सब इसको ट्राई करते हैं कि कैसा लगता है ना, तो नॉट बॉटल ग्रीन एक्चुअली, दिस इज द ऑलिव ग्रीन शेड, और उसके साथ मैंने इस तरह से ये यू नो स्लीवलेस टॉप डाली, आई थिंक इसके ऊपर ये ब्लेजर अच्छा जाएगा, बट मुझे फिटिंग में ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा ये पीस टाइट है, आई थिंक इसका साइज चार्ट भी वन लेस रहा होगा, और जो मैंने बिना देखे अपना साइज ऑर्डर कर दिया, पता नहीं, पर ठीक है अनकम्फर्टेबल है, मतलब थोड़ा सा लूज होता तो ज्यादा अच्छा लगता, नॉट द ब्लेजर पार्ट, बस पेंट वाला पार्ट, वो भी सिर्फ यहाँ से, सो या इट्स ओके विल मैनेज। तो यस यार लग तो सही रहा यार, अब देखो ये ब्लेजर सेट ना मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप देख रहे हो इसमें ना कलर्स भी हमारे पास, आई थिंक दो से तीन कलर्स हैं, साइज में एग्जैक्टली बता दूंगी अगर साइज चार्ट में कुछ इश्यू होगा तो, बट यस ये अच्छा लग रहा है, और इसमें यहाँ पे बटन भी है, आप ऐसे इसको लगा भी सकते, यस फिट है, सिर्फ हल्का सा
पेंट मतलब हल्का सा यू नो मुझे मतलब कंफर्टेबल कपड़े ज्यादा पसंद है, तो उस सेंस में बोल रही हूँ। अदरवाइज जो लोग नॉर्मल फिटेड कपड़े पहनते हैं उनके लिए ये साइज भी परफेक्ट है। सो या और इसका ना फैब्रिक भी ना जितना थिक होना चाहिए ना, मतलब ब्लेजर वाले स्टाइल के हिसाब से वैसा ही है, ऐसा हल्का फुल्का लटका फुटका सा ब्लेजर नहीं है, प्रॉपर फिनिश मटेरियल है, अच्छा लग रहा है। गाइस आई मस्ट से कि ये ड्रेस भी हमारा पास है और आज का दिन तो सुपर सुपर डुपर हिट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रेस, देखते हैं कि अब हमारे पास और क्या क्या बचा हुआ है हमारे कलेक्शन में। और बड़ा मजा आ रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है खत्म ही ना हो, पीस आते जाए और हम ट्राई करते ही जाए, बड़ा मजा आ रहा है। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ, तो नेक्स्ट आउटफिट हमारा है, ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग सा कैटलॉग है जो बहुत ज्यादा आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ होगा, तो मुझे लगा कि चलो हम भी ट्राई करते हैं कि कैसे आता है। तो यस, इसका एक बहुत अच्छा सा वर्जन मतलब बहुत अच्छी सी क्वालिटी हमारे पास आई हुई है। ये इस तरह से क्रेप फैब्रिक में टॉप है और इसके साथ ये प्लाजो पैंट है। बड़ा हल्का फुल्का सा ड्रेस है, मतलब कि अगर आप कहीं ट्रेवल के पर्पज से ले जाना चाहते हैं ना तो बहुत इजीली ड्राई हो जाएगा। क्रेप वाले फैब्रिक में बस ये होता है कि जल्दी से सूख जाते हैं और आप फटाफट इसको रीयूज कर सकते हो। तो ये है हमारा नेक्स्ट आउटफिट, आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा है, तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसमें कलर्स बहुत सारे हैं, आई होप कि आप लोगों ने देखे भी होंगे, अदरवाइज आई विल शेयर द अवेलेबल कलर्स। और ना क्रेप फैब्रिक इतना हल्का फुल्का है, तो मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा मैंने कुछ पहना हुआ है, बहुत ही कंफर्टेबल सा है, कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल फीलिंग करा रहा है, हल्का फुल्का सा फैब्रिक है, बहुत ही ज्यादा मैं आराम से डांस वांस कर सकती हूँ, गाने वाने गा सकती हूँ, कोई भी फंक्शन अटेंड कर सकती हूँ, ऑफिस जा सकती हूँ, फुल डे कॉलेज अटेंड कर सकती हूँ, मतलब कंफर्टेबल है, समझ गए होंगे आप लोग, तो बहुत अच्छा है। और ये प्यारा सा क्यूट भी है ना, यू नो इसकी स्लीव्स आप देख लो, पफी वाली स्लीव्स बहुत ही क्यूट लगती। तो यस, ये ड्रेस भी पास होता है, ये मेन अट्रैक्शन तो ये पफी वाली स्लीव्स है जो मुझे बहुत क्यूट लग रही है, ऊपर स्मोकिंग वर्क है टॉप में और फिर नीचे से ऐसा पैप्लम वाला स्टाइल हो गया है, तो थोड़ा सा फिट थोड़ा सा फ्लेयर काइंड ऑफ, और प्लाजो ऐसा वाइड लेग वाला है। सो दिस इज ऑल आई हैड फॉर यू गाइस, तो आई थिंक आपको हमारा आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, कलेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और एनी काइंड ऑफ सजेशन अगर आप चाहते हैं कि हमें इस तरह के ड्रेसेस को ऐड करना चाहिए, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन आ रहा है, हम लोग मिड ऑफ द ऐसे वाले टाइम पे खड़े हैं जहाँ पे वेडिंग सीजन बहुत सारे हैं, मेरे खुद ही बहुत सारी फ्रेंड्स की शादियां हो रही है, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ हैवी कलेक्शन या कुछ वेडिंग हैक्स जो कि बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहे हैं अगर आप चाहते हैं तो हम वो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में ऐड करें, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।